नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपणसमी प्रथम हेडलाइंस राज्य में भयानक स्थित में कोरोना आउ चार मुंड ना महामारी आज 3144 पॉजिटिव क्वारंटाइन 1823 लोकाल 1321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 आक्रांत पचकू रही खोर्धा नुआपड़ा आज ठू कठोर है कटक आज आसंता का 10 सीमांत जिले में सटडाउन विभिन्न छक चेकिंग कड़ाकड़ी सेपटे 20 जिले में आज नाइट कर्फ्यू राति 9 सकाल 5 जाए घर बाहर मना देश में बेकाबू महामारी 24 घंटे 2,33,943 पॉजिटिव महाराष्ट्र सर्वाधिक 63,729 आक्रांत आउ 1,338 जन जीवन नेला महामारी गैंगस्टर प्रेम में 3 युवती फेरार पर भी प्रेमिका फोन गपुला हाइदर नंबर ट्राक कर तेलंगाना गैंगस्टर को धरला पुलिस सेपटे हाइदर पॉजिटिव पर रिमांड स्थगित ढेंकानाल भुवनरु 3,00,000 टंकार गंजेई जबत घरे चलुथिला सबुज जहर कारबार कामाख्या नगर अबकारी विभाग चढ़ाऊ पर जड़े गिर एवं पुओ पछे पछे चलीगला मां कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज को मां क्षेत्रमणि को देहांत भुवनेश्वर एक घरे हॉस्पिटल रे परलोक देखिबा संपूर्ण खबर देश में बेकाबू कोरोना 24 घंटे 2,33,943 पॉजिटिव चिन्हट होती महाराष्ट्र सर्वाधिक 63,729 आक्रांत चिन्हट होती उत्तर प्रदेश 27,360 दिल्ली 19,486 छत्तीसगढ़ 14,912 पॉजिटिव बाहर केरल 10,031 कर्णाटक 10,859 मध्यप्रदेश 11,045 पॉजिटिव बाहर सेपरी आज देश में 1,338 जन जीवन नहीं महामारी भाइरस राज्य में भयंकर होउछि कोरोना स्थिति आउ चार मुंड नेला महामारी बलांगीर झारसुगुड़ जड़े लेखाएं कोरोना रे आखि बुझिंट राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1942 को वृद्धि पाई से आज 3144 कोरोना पॉजिट चिन्हट होती से क्वारंटाइन 1823 होता बेले लोकाल केस रही 1321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 आक्रांत चिन्हट होती खोर्धु 497 नुआपड़ 395 पॉजिट बाहर सेपरि बरगढ़ 156 संबलपुर 149 सुंदरगढ़ 128 एवं जो भाव में क्षमा करेंगे केन्दुझर 128 पुरी 129 आक्रांत चिन्हट होती से भाई झारसुगुड़ 119 नवरंगपुर 96 बलांगीर 92 जाजपुर 67 एवं गजपति 67 चिन्हट होती गंजाम 44 पॉजिट बाहर जहाँ सूचना रही भद्रक 51 अनुगुण 49 आक्रांत चिन्हट होती या मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 3,64,594 को वृद्धि पाई राज्य में कोरोना हेला एवं कोरोना को देखी कटकणा लागू हो तबे 10 सीमांत जिले में सप्ताहत सटडाउन होती आज एवं आसंता काली सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मलकानगिरी जिला सटडाउन रही विभिन्न छक और गली कंदे पुलिस पक्षर चेकिंग करम न मानिले कड़ा कार्यानुष्ठान बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टि रखी ए सबु जिलार सहरांचल प्रति शनिवार रविवार सटडाउन लागू एवं सटडाउन बेले टीकाकरण होना सेपरि आज 20 जिलार सहरांचल नाइट कर्फ्यू जारी रही राति 9 सकाल 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू रहस पूर्व नाइट कर्फ्यू चलता अगर 10 जिले में संध्या 6 सकाल 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू समय समस्त अत्यावश्यक सेवा जारी रहीपर सीमांत 10 जिले में आज और आसंता का सप्ताहत सटडाउन लागू हो गैंगस्टर हैदर कोविड पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट आक्रांत थिबा सूचना मिली पॉजिटिव चिन्हट पर हैदर को 14 जेड आइसोलेसन हैदर को रखा जाए तेरे हैदर पॉजिटिव जो आज आरंभ हो रिमांड को स्थगित रखा जाता कटक डीसीपी सूचना देते तेज जो भाव में गैंगस्टर हैदर कोविड पॉजिटिव सूचना रही तेज
पुलिस को फेरार हैदर सुराग देता तार निज प्रेम कहानी तेरे गोटे कि दुईज नुहे हैदर प्रेम पड़ते तीन जन युवते फेरार पर भी हैदर भिन्न भिन्न मोबाइल नंबर को निज प्रेमिका लगातार संस्पर्श रोला हैदर रे एवं हैदर जने प्रेमिका फोन कॉल को जांच करू करू राज्य बाहर छटी नंबर पाखक फोन आसुवा जानवाक पाई पुलिस एवं यही नंबर टी तेलंगानार बोले स्पष्ट होता यापर पुलिस तीनोटी जाक नंबर को सर्भेलांस को नापर अगर दुईट नंबर बाबद सुराग मिलता 13 तारीख सुधा पुलिस को हैदर गतिविधि सविशेष सूचना मिलवा पर ही दिन ही तेलंगाना जाता कटक कमिशनरेट पुलिस एक टीम हेले पुलिस सेठे पहुंचा बेलू हैदर तेलंगानार निज ठिकना छाड़ी संगरेड्डी जिला को चली जाता हेले प्रेमिका मान वार्तालाप किंतु जारी रखिता एवं से ही फोन कॉल डू लोकेशन डिटेल पाइबा परे 15 तारीख संध्या बेले हैदर को काबू करथला पुलिस बड़ कथा हेउछि गैंगस्टर प्रेम पड़ता तीन युवती जनक बयस 18 वर्ष होता बेले आउ दुई जन बयस यथाक्रमे रही 22 और 26 एम जड़े भगराय बालेश्वर बासिंदा होता बेले जड़े पटामुंडे और आउ जड़े महांगा बासिंदा तेरे रोचक कथा एक जे ए तीन जन युवती हैदर भल पाला सत किंतु क्या कहे अन्य दुईज बाबद अवगत कराइ नथला आसवा परवर्त खबर को ढेंकानाल जिला भुवन अंचल विपुल परिमाण गंजे जबत होछि घटन जड़क को गिरफ करछि कामाख्यानगर अबकारी विभाग गिरफ व्यक्ति जड़क हेले भुवन थाना नुआ भुवन सत्यानंद साहू 62 किलो गंजे जबत होता बेले आनुमानिक मूल्य 3 लाख टंकार ऊर्ध हेबा बोले कहिछि अबकारी विभाग सूचना अनुसार सत्यानंद निज घरे गंजे रखि व्यवसाय करूला एने अबकारी विभाग विशेष सूत्र खबर पाए संधान जारी रखिता आज सका अबकारी विभाग एक टीम चढ़ाउ कर गंजे को जबत कर भुवन रत्ताबिल अंचल सत्यानंद साहू जे बेबी गार्मेंट मालिक से घर बेहन बेहर गंजे रखिंट महजूद कर रखिंट आम घटनार पुंगखापुंग ये कर तर्जमा कर कन्फर्म होगापर आम घर जाए देख ला से देख लुजे से गंजेटा को धरिकर नौले लुचाप नौते घटनास्थल अटक आम गंजेटा को जबत कर आरेस्ट कर तथा गंजे पाखे जी अच्छी 62 केजी गंजे अच्छी पाखे अच्छी आर आनुमानिक मूल्य पाखा 4 लाख पाखापाखि हम केन्दुझर जिला सोसो थाना ढेकाहाट साहर विपुल परिमाण मद जबत हो 3180 किलोग्राम महुल 595 लिटर महुली मद जबत अबकारी विभाग यही मामलें जनक गिरफ्त कर अबकारी विभाग कौन सूत्र खबर पाई आज सका आनंदपुर अबकारी विभाग ढेकाहाट साहर चढ़ाऊ करठे मद रंधा चली प्रचुर मात्रा में महुल पच रखा जा देखि से सबको जबत करने अबकारी विभाग सीता हेम्रम को गिरफ्त कर बहु बाद विवाद पर भांगा राज्य सरकार को निद बरगड़ी कैंसर हॉस्पिटल को मिलला राज्य सरकार को मंजूरी एने खर्च होब 249,21,000 टंका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग हॉस्पिटल निर्माण को अनुमोदन दे खोर्धा जिला कुहुड़ी अंचल गोरु बोझे पिकअप जबत हो गाड़ी 10 गोरु जबत सह जन को अटक रखी पुलिस गोचाला नहीं खबर मिलवा पर एसडीओ नेतृत्व में पुलिस कुहुड़ी अंचल चढ़ाऊ कर गोरु बोझे गाड़ी को काबू कर पुलिस
छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन को चलाचल बंद नहीं पुणी चिठी लिखिले राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव एने केन्द्र गृह सचिव को चिठी लिखिंट 8 स्वतंत्र ट्रेन छत्तीसगढ़ ओडिशा मधे यात्रा करुचे पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टि ट्रेन चलाचल बंद करने को अनुरोध कर राज्य सरकार अति कम्रे 15 दिन ट्रेन चलाचल बंद करने को अपील कर मुख्य शासन सचिव पूर्व छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन चलाचल बंद करने रेल मंत्रालय को चिठी लिखिते राज्य सरकार किंतु रेल मंत्रालय तरफ यह अग्राह्य कर दि जाता नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर मोदी सरकार का आउ एक बड़ सफलता भारत फेर पलातक हीरा व्यवसायी नीरव मोदी ब्रिटेन गृह विभाग नीरव मोदी भारत प्रत्यार्पण को अनुमति प्रदान करते सीबीआई अधिकारी शुक्रवार सूचना देखते गत फेब्रुवरी 25 तारीख में लंडन वेस्टमिनिस्टर कोर्ट नीरव मोदी प्रत्यार्पण पर अनुमति प्रदान कर खूब शीघ्र यूके रु भारत आसीब पलातक स्काम स्टार नीरव मोदी प्रत्यार्पण आदेश रे दस्तखत करिसेंती यूके रो गृह सचिव पूर्वरु अनुमति दे सारिथिले यूके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट तबे यूके रो आईन एथिपई साजी पारे सामान्य प्रतिबंधक भारत रु पलायन करी यूके रे आत्मगोपन करथिबा गहना व्यवसायी तथा स्काम स्टार नीरव मोदी को भारत अणाजिबार रास्ता एबे सहज होइछि खूब शीघ्र भारत अणा जाई एठारे ताहार विचार हेबार संभावना सृष्टि होइछि नीरव मोदी प्रत्यार्पण पाई अटकिथिबा आदेश ऑफिशियल मोहर मारिछंती यूके रो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल पूर्वरु भारत तरफ प्रत्यार्पण होइथिबा आवेदन को ग्रहण करी यूके रो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ताको नियम हिसाब रे शेष सहमति पाई पठाइथिले होम सेक्रेटरी को पाखकु एबे होम सेक्रेटरी सेथिरे मुहर मारिथिबारु एणिकी पलातक अभियुक्त को भारत आनी तार विचार करिबा सहज हेबो बोली अनुमान करा जाउछि तेबे यूके रो आईन एथिपई साजि पारे सामान्य प्रतिबंधक सेठाकार आईन हिसाब रे होम सेक्रेटरी को आदेश विरुद्ध रे जणे अभियुक्त 28 दिन भितरे हाईकोर्ट रे अपील किंबा चैलेंज करि पारंती नीरव मोदी निजर सुरक्षा पई सेहिभली कले हाईकोर्ट एहार विचार पई पुणी किछि मास समय नै पारंती जहाँ पूर्व विजय माल्या घटन देखा मिली हेले पुणी विलंब हो पारे नीरव मोदी को भारत आनिबार प्रक्रिया अलंकार व्यवसायी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक रो लोन स्काम सहित प्राय 14,000 कोटी टंकार मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में अभियुक्त रही फेरार भारतीय कोर्ट में तार विचार होगा बेले से आश्रय नहीं यूके सेठाकर आईन हिसाब से सहज होनी प्रत्यार्पण प्रक्रिया तबे जदि तार चैलेंज को यूके रो हाईकोर्ट अग्राह्य करती तबे खूब शीघ्र भारत आसी पारे नीरव मोदी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज नजर पकाइबा खेल संपर्कित खबर उपरे महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स चलित आईपीएल रे प्रथम विजय हासिल करछे प्रथम मैच रे दिल्ली ठारो हारिथिबा चेन्नई निजर द्वितीय मैच रे पंजाब किंग्स को 6 विकेट रे परास्त करछे प्रथमे बोलिंग रे जादू देखाइथिबा चेन्नई बैटिंग रे मध्य जबरदस्त प्रदर्शन करुछे पंजाब प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 8 विकेट हराई मात्र 106 रन करथला यार जवाब रे चेन्नई एकतरफा भावे 4 विकेट हराई 26 बॉल पूर्वरु विजय लक्ष्य को हासिल करिनेछि 4 ओवर रे मात्र 13 रन दे 4टी विकेट हासिल करथिबा दीपक चहर मैच रो श्रेष्ठ खेलाड़ी होछन्ते पुणी सामना को आसला लव सेक्स धोखा दिव्यांग नाबालिका को प्रेम कर प्रतारणा कला संपर्क दादा एभली लज्जाजनक घटना घटे बालेश्वर जिला खैरा थाना गड़पोखरी अंचल गड़पोखरी अंचल जैनिक दिव्यांग नाबालिका को सही गांव प्रदीप सेठी बहुत करलोभन देखा वर्षे शारीरिक संपर्क रखुला
ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବିବାହ ନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଖଇରା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା। ଏନେଇ ଖଇରା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହୋଇଛି 24/2021 ଏବଂ କେସ୍ରୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ହୋଇଛି। ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ଯେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ମିଟିଂ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ପ୍ରିଫର୍ ହୋଇଛି ଆଉ। ଗୁଣପୁରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଚିନାରାଶି ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶବ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରି କୁରୁଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତଦେହ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ଦିନ ହେଲା ଗୌରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଭଉଣୀ ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଗୁଣପୁର ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାନିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଗୌରୀଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର, ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ତଟ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ହେକ୍ଟର ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ। ତେବେ ବ୍ଲକର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲହଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସବୁକିଛି ନେଇଯିବ ଆମ ଭିତରକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଉଳତି ଓ ଯମୁନାଶୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅତି ଭୟଙ୍କର। ପଥରବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ବାଲିବନ୍ଧକୁ କରୁଛି ନଷ୍ଟ। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସୁଫଳ। 6 ପଞ୍ଚାୟତର 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦାବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ସମୁଦ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ମଣିଷଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ଜୀବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲହଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସବୁକିଛି ନେଇଯିବି ଆମ ଭିତରକୁ। ଘର, ବାଡ଼ି, ଚାଷ, ମଣିଷ ସବୁକିଛି ନେଇଯିବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଉଳତି ଓ ଯମୁନାଶୂଳ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିଛି। ସେପରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର, ଚାନ୍ଦିପୁର, କସାଫଳ, ବାଲିଆପାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏବେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସବଜେକ୍ଟ ପଥରବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ସହ ବାଲିବନ୍ଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 6 ପଞ୍ଚାୟତର 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ଏବେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କରେ କଟୁଛି। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଚାଉଳତି ଗ୍ରାମ, ଏଇ ଚାଉଳତି ଗ୍ରାମ ମୁହଁର ଗୋଟେ ନଈ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନଈ ହେବାର ସକାଶେ ସମୁଦ୍ରର ଆଲିଆ ବାଲି ଖାଇକି ଆସୁଛି। ଆମେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ସନ ମାଟ ଖାଇଲା ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ସେମିତି କେମିତି ରହିବା। ସରକାରମାନଙ୍କ ଟିକେ ସାହସ ସହାନୁଭୂତି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କେରକମ ରହିବା, କେରକମ ବଞ୍ଚିବା। ଧର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଥର ପେଚିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ରହିବା ନା ଏଠି କିଛି ସମସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବା ଆମର MLA ବା ଇଏ ବିଡ଼ିଓ, ଏମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ସେରକମ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଏଇ 2006ରୁ ଯେ ବନ୍ୟାଟା ହେଲେ କଟକ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଏଠି ବନ ପଡ଼ି ସେ ଲଇ ହେଲା, ଲଇ ହେବା କରୁ ସେ ଆଡ଼ିଆ ଖାଇ ଆସୁଛି ସେ ଆଡ଼ିଆ। ସରକାରକୁ ଜାଣିଲେ ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ହେବ ସେ ଥିଲା, ସେ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ତ ଜାଣିପାରିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା, MLAକୁ ଜଣା ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 487 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସୀମା ପ୍ରାୟ 81 କିଲୋମିଟର।
ବାଲି ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବାଲିବନ୍ଧ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2016 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନପାରିବାରୁ ଏହା ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପଠାସରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସେଇଟା ଯମୁନା ଷୋଳ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଉଲତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଦୁଇଟା ଯାକର ସି କୋଷ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସି ୱାଲ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ, ତାପରେ THC ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ଷୋଳର ଏତେଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଲତି ଗାଁଟା, ଯେଉଁଠି ଚାଉଲତି ବୋଲି ଜାଗାଟା, ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଠାଇ ସାରିଛୁ, TSC ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନପଦକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଭିତରେ ଏ ବିଚାରା ମଣିଷମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆର ତମାମ ଖରାଜ ଆମେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।